गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो 4.2 एक्सरसाइज निकालो बेटा सर जल्दी से। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से बुक में। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर -3x -10 इज इक्वल 0। तो कह रहे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आप सॉल्व करके दिखा दें। कौन से मेथड से करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर -3x -10 इज इक्वल 0। फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दो। सॉल्यूशन, सबसे पहले जिसके आगे कुछ नहीं लिखा वहाँ पे 1। सब फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। इस 1 को -10 से मल्टीप्लाई कर दो। -10, यहाँ देखो क्या लिखा है, -3। इस -3 के टुकड़े कर दो कि टोटल करूँ तो -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -10 आ जाए। तो माइनस के 5 प्लस के 2 हो जाएंगे, तो -3 हो गया और 5 2 10 -10 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये बन गया एक्स स्क्वेयर -5x + 2x - 10 इज इक्वल 0। ओके, तो टेकिंग कॉमन फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स, इसमें से एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पर एक्स रह जाएगा, एक्स कॉमन ले लें तो 5 रह जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो एक्स और 2 5 10 हो जाएगा और इक्वल में 0। ठीक है, तो ये 2 ब्रैकेट सेम हो गई, जो 2 ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लो, तो सेकेंड ब्रैकेट में ये एक्स और ये 2 आ जाएगा और इक्वल में 0। आइदर दिस ब्रैकेट 0 और दिस ब्रैकेट 0, आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल 0। 5 माइनस में राइट में ले जाओ प्लस हो गया, 2 प्लस है राइट ले जाओ -2 हो गया। दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। ओके बेटा, क्लियर। चलो सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 2x² + x - 6 इज इक्वल 0। तो कह रहे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करके दिखा दें। ठीक है, देखो सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 2x² + x - 6 इज इक्वल 0। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा वहाँ पे 1। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया -12 और जो बीच में लिखा है यहाँ पे 1, इसके फैक्टर कर दो। टोटल करो तो 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए, तो क्या बनेगा, प्लस के 4 माइनस के 3, 4 - 3 = 1, 4 3 = 12, ±-। ओके, तो यहाँ पर ये बन जाएगा देखो 2x² + 4x - 3x - 6 इज इक्वल 0। 4 - 3 = 1। टेकिंग कॉमन फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स, 2x कॉमन ले लें तो यहाँ पे x रह गया और 2x - 2 = 4, यहाँ से -3x + 2 इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 = 6, माइनस कॉमन लोगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये 2 ब्रैकेट सेम होने चाहिए, अगर 2 ब्रैकेट सेम नहीं होंगे तो क्वेश्चन गलत है आपका। तो यहाँ से 2x - 3 रह जाएगा इक्वल टू 0, आइधर दिस ब्रैकेट 0 और दिस 0, x + 2 इज इक्वल 0 और 2x - 3 इज इक्वल 0। 2 को राइट में ले जाओ -2 और 3 राइट में ले जाओ +3 2 से डिवाइड कर दो 3/2, दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाए थर्ड पार्ट, √2 √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल 0। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, √2 x² + 7x + 5√2 इज इक्वल 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो
पहले फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर लो। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई, फाइव तो यही रहेगा, रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू और फाइव टू जो कितना आ जाएगा टेन। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो हमारे पास सेवन, इस सेवन के टुकड़े कर दो, टोटल करें तो सेवन आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो टेन आ जाए, तो कितना बनेगा फाइव प्लस टू, फाइव और टू कितना हो गया सेवन, और फाइव को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टेन आ जाएगा। ओके तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो रूट टू एक्स स्क्वेयर प्लस इसको ऐसे लिख लो टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल ज़ीरो। ठीक है बेटा क्लियर, टू और फाइव कितना, टू प्लस टू फाइव लिख लो या फाइव टू लिख लो एक ही बात है। ठीक है अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये रूट टू एक्स स्क्वेयर प्लस इस टू था, इस टू को ऐसे लिख सकते हो देखो रूट टू इंटू रूट टू, ये रूट टू को रूट टू से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टू आता है। ठीक है याद रखें रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई तो टू, यहाँ से फाइव एक्स हो गया और ये फाइव रूट टू एज इट इज इक्वल ज़ीरो। ठीक है इसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू और लास्ट टू में से कॉमन ले लो। देखो तो फर्स्ट टू में से कितना कॉमन आ रहा है, देखो रूट टू एक्स, तो रूट टू एक्स कॉमन तो एक्स रह गया, ये रूट टू एक्स कॉमन तो रूट टू रह जाएगा, और नेक्स्ट में से इधर से फाइव कॉमन ले लें तो एक्स, और ये रूट टू इज इक्वल ज़ीरो। अब ये ब्रैकेट दोनों सेम आ रही हैं तो एक्स प्लस रूट टू और नेक्स्ट ब्रैकेट है रूट टू एक्स प्लस फाइव आ जाएगा, रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल ज़ीरो। ओके अब इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ज़ीरो लिख लो और सेकंड ब्रैकेट ज़ीरो, तो एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल ज़ीरो और रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल ज़ीरो। रूट टू को राइट में ले जाऊँ माइनस रूट टू, रूट टू एक्स इज इक्वल माइनस फाइव, रूट टू से इसको डिवाइड कर दो माइनस फाइव बाई रूट टू, दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। ओके बेटा क्लियर है देख लो ध्यान से। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट इज इक्वल ज़ीरो, इसको सॉल्व करना है। देखो तो सबसे पहले आप क्या करें, एलसीएम ले लें, जिसके नीचे कुछ नहीं वहाँ पे वन, टेकिंग एलसीएम कितना आ जाएगा एट, एट को वन से डिवाइड कर दो, एट एट टू जो सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर माइनस, एट को वन से डिवाइड कर दो एट और यहाँ पर एट एक्स आ जाएगा, एट को एट से डिवाइड वन, वन को वन से मल्टीप्लाई वन और इक्वल ज़ीरो। एट डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस वन इज इक्वल ज़ीरो। अब क्या करें, इसके फैक्टर कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, सिक्सटीन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन, यहाँ पर क्या लिखा है माइनस एट, इसके फैक्टर करो कितना आएगा बोलो, माइनस फोर माइनस फोर माइनस एट, फोर फोर जो सिक्सटीन माइनस माइनस प्लस, तो सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर हो गया माइनस फोर एक्स हो गया माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल ज़ीरो। टेकिंग कॉमन फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स, फोर एक्स कॉमन फोर फोर सिक्सटीन एक्स, फोर एक्स कॉमन तो वन, माइनस वन कॉमन फोर एक्स और यहाँ से माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल ज़ीरो। तो ये टू ब्रैकेट सेम हो गई, फोर एक्स माइनस वन और नेक्स्ट ब्रैकेट में ये फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल ज़ीरो। अब आइदर दिस ब्रैकेट ज़ीरो और दिस ज़ीरो, तो फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल ज़ीरो और फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल ज़ीरो, तो फोर एक्स कितना बन गया वन, एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर, यहाँ से भी फोर एक्स इज इक्वल टू वन, फोर से डिवाइड कर दे वन बाई फोर, दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। चलो बेटा इसका फिफ्थ पार्ट आप कर सकते हैं, देखो हंड्रेड एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस वन इज इक्वल ज़ीरो, तो ये वाला पार्ट आप अपने आप कर लेना। ओके बेटा क्लियर क्वेश्चन। ठीक है बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके थैंक यू।